गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल सभी के। आशा करता हूँ भाई बहुत ज्यादा बढ़िया होगे। वेलकम टू द अनदर व्लॉग भाई, एनर्जी पूरी है क्योंकि घूम के आए हैं संडे को। मौसम विभाग देख लेते हैं भाई। मौसम विभाग में धूप नहीं है, बारिश आने के 100% चांसेस हैं भाई। और अगर आज बारिश आई तो चाय पकौड़ी तो भाई जरूर बननी चाहिए क्योंकि मौसम बड़ा बढ़िया हो जाएगा। बाकी अभी सीधे मिलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल में और देखते हैं आज क्या है भाई। बड़े दिनों से ब्रेकफास्ट दिखाया नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी ठोक दो, कपड़े अंदर ले आए क्योंकि बारिश आ सकती है गाइस। तो सीधे अपन लोग आ चुके हैं अपनी ब्रेकफास्ट टेबल में। हमारी बुआ अखबार पढ़ते हुए, क्या बात है इंग्लिश पढ़ते हैं भाई, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं भाई। बाकी ब्रेकफास्ट में आज है कड़ी। मैं उल्टा पेपर पढ़ लिया, उल्टा पढ़ लिया वो क्या बोले, गांव के लोगों को पता ही नहीं सीधी इंग्लिश का है उल्टी इंग्लिश का है। बाकी मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक चलता रहता है बुआ और मेरे बीच में। आज है कड़ी पराठा और ये कोई सब्जी है, इसका नाम मेरे को पता नहीं है। क्या है बुआ इस सब्जी का नाम? ऑनियन Yes. प्याज की सब्जी है। Yes. चलो बहुत बढ़िया, इसको फटाफट से खा लेते हैं। हमारी बुआ हमें धोखा देके जाती हुई, दो दिन में धोखा दे दिया है और मैं जा रहा हूँ बुआ को छोड़ने। भाई बाबुल भाई हेलमेट लेके आओ। दो दिन में हमारी बुआ गायब होती हुई गाइस। तो फिलहाल अपन लोग पहुंच गए थे भाई अपनी दादी के घर बुआ को छोड़ने। अभी इधर तो आ, प्रोजेक्ट चल रहा है भाई, प्रोजेक्ट चल रहा है बच्चों का। इनके स्कूल खुल चुके हैं, अभी भी हॉलीडे वर्क चल रहा है। तो हमें भी अभी हमें भी अपनी याद आ गई कि हम भी ऐसी करा करते थे। 10 दिन बाद देंगे हमें हॉलीडे वर्क। और पर कलाकारी भाई, ऐसी कलाकारी मैंने जो अभी जिंदगी में नहीं करी। क्या बनाया है इन दोनों ने भाई मिलके, भाई बड़ी खूबसूरत सी प्रोजेक्ट फाइल बनाई है। ऐसे मेरे को नहीं पता मैंने कभी जिंदगी में बनाई हो ना बनाई हो, पर बड़ी सुंदर है ये तो मानना पड़ेगा। बाकी हम बुआ को लेके आ गए हैं, बुआ यहाँ है। आज हम लेट सोए थे, जो आपने ब्लॉग देखा होगा वो कल वाला संडे वाला। तो ये अभी कुछ एक्टिंग करके दिखाने वाली है। ये सुबह मेरे को ना उठाने आई तो मैं तो बड़ा लेट सोया था, 5:30 बजे सोया था। तो मैं ये आई तो देखो अब मैंने क्या रिएक्शन दिया होगा। देखो मैं सुबह गई इनको उठाने, भगवान जी से पहले मैंने इनके दर्शन किए नहा धो के। मैं सुबह गई इनको उठाने, 10 बच्चों के थे उस समय, ये सो रहे थे। तो मैं प्यार से भैया गुड मॉर्निंग, जो याद है ठीक है। फिर मैं गई आयुष के पास, आयुष तू तो उठ जा, उसको मत कर, तो जा। फिर मैं बाहर चली गई। फिर मैं 1-2 घंटे बाद फिर आई उठाने, मैंने भैया 11:15 हो गई है, बल्लूपुर जाना है, जो याद है। भाई आई सुबह सुबह उठा ले आए भाई, बस 5:30 बजे सो रहेगा तो ऐसी तो होगा। बोले भाई डिस्टर्ब मत कर अभी सोने दे प्लीज। तो मेरी गलती थी, मामी ने भेजा था मुझे यार। चलो कोई नहीं, तूने बहुत अच्छा काम करा। बाकी भाई मौसम तो बढ़िया हो गया है, हवा आंधी तूफान पूरा बढ़िया चल रहा है और बारिश भी आ गई भाई। देखो फाइनली बारिश भी आई गई है, बूंदाबांदी दिख रही होगी कुछ इस तरीके से। गाइस तो फिलहाल भाई घर आ गए थे फटाफट से छोड़ के और लंच हो गया। बारिश तो आई नहीं भाई इतनी, तो खेलने जाने का भाई। आज अपने थोड़े सीनियर वीनियर आए हैं दिल्ली के, उनके साथ थोड़ा हमने बोला भाई आओ थोड़ा खेले वेले बड़े टाइम बाद, तो हमने बोला चलो चलते हैं। गाइस तो प्रैक्टिस हो गई भाई, गेम भी खेल लिया और जो भाई चोट वोट खा ली लड़कों ने। और ये हमारे राजकुमार जी मिल गए हैं, हमारे भैया, हमारे कुलदीप भाई, सारे भाई लोग आज हम लोग आ गए हैं। भैया शर्त तो हार गए, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम पार्टी के तो करवा लो, नेक्स्ट टाइम पक्का। शर्त लगी आज पिज्जा की पार्टी की कि भाई 101 पॉइंट जो पहले मारेगा, जो हारेगा वो पार्टी देगा। भाई कहां से पार्टी है, कोई बात नहीं अगली बार पक्का। चलो कोई नहीं भैया खिला ही देते हैं। बाकी व्योम कुछ कर रहे हैं लड़के, ये डंग माननी है। ओहो मिस हो गया लड़कों के, यही ड्रीम पूरी कर लो लड़को। पूरा कर रहे हैं यहाँ पर ये बच्चे लोग। फाइनली किसी ने डंग मारा। व्योम भाई शर्त तो हार गए, ऐसे लोग कल से जान ही नहीं मारनी। हम गेम में जान नहीं मारेंगे भाई, इनकी पसंद की टीम बना के दे दी, कोई फायदा नहीं है।
पूरा काफिला आ रहा है, काफिला पैसे कहाँ से लाते हो तुम ये बता दो बस। ये कौन सी गाड़ी है, किसकी है ये? सार्थक भट्ट लिखा है इस पे, यहाँ देखो साहब। पहली बार मैंने अपने लाइफ में देखा नाम लिखा हुआ बाइक पे किसी का। प्रैक्टिस के बाद भाई अपन लोग आ गए कुछ रिफ्रेशिंग सा करने, कुछ अलग, कुछ अलग। तो हम कहाँ आए अभी, हम बता दे तूफानी बंटा सबसे यार स्ट्रॉबेरी आ गए भाई, सबसे खूबसूरत बंटा भाई देहरादून का। और ये देखिए अभी देखना है कैसा आएगा पी भाई। मजा है भाई, स्ट्रॉबेरी में मजा है। रिफ्रेशिंग भाई। हमने क्यों कैसा रहा एक्सपीरियंस इधर ही छुएंगे भाई। रिफ्रेशिंग भाई। फिलहाल अभी जस्ट घर पहुंचा अभी और भाई कपड़े चेंज करे, अंदर की जर्सी चेंज, मुंह धोया थोड़ा सा और निकल रहे हैं भाई जिम। वेरी बिजी डे फटाफट से चलते हैं जिम। गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं जिम। जिम हुआ पूरा भाई, एक्सरसाइज हो गई, हालत टाइट हो गई, बाकी अभी निकल रहे हैं घर की ओर भाई। चलो भाई लोग। गाइस ये हमारे जिम के दोनों बॉडी बिल्डर्स हैं, बड़े तगड़े हैवी लिफ्टर्स हैं दोनों। फिलहाल घर आ गए थे और डिनर वगैरह सब कुछ हो गया था, फ्रेश हो गया। हमने बोला भाई आज थोड़ा बाहर चला जाए भिक्षो भाई के साथ, बाहर चला जाए। बुआ तो चली गई हमारी, भिक्षो भाई यहीं छुड़ गए। भिक्षो भाई हमारे खास आदमी है ना, तो आपको पता ही है बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है हमें, तो बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं भाई। हम भी घर में अकेले घूमते रहते हैं तो हम रोक लेते हैं भाई। भाई गोली चला रहे हैं भाई, भाई के क्या बात है। रात को सबको खाली रोड मिल जानी है तो सब भगाते रहते हैं गाड़ी। हम सोच रहे हैं कि कुछ डेजर्ट हो जाएगा इस तो मजा आ जाए। जिम में लेग्स मारने के बाद ना भाई पैर नहीं उठ रहे हैं। मैं बोल रहा था स्कूटी में आते हैं, बुलेट लाते हैं। नहीं पैदल चलेंगे हम। तो डेजर्ट में मजा आ रहा है? हाँ जी भाई आ रहे हैं। गाइस भाई को डेजर्ट में कुल्फी खिला दी भाई को। मैंने बोला भाई आज तेरे को डेजर्ट कुछ खिला के रहूंगा मैं, बाकी अपन तो पी रहे हैं शेक। वो गाइस क्या ही दिन रहा, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई आज तो अपन लोग पहले खेलने चले गए, बुआ को छोड़ा, भाई हमारे साथ हैं, उसके बाद भाई स्पेशल बंटा सब क्या ही बंटा, मतलब मजे आ जाते हैं भाई। वहां अगर भंटा पी लो ना तो भाई सारी जगह का भंटा मैं भूल जाता हूँ भाई, बहुत फेमस शॉप है, बहुत ज्यादा ही फेमस। बाकी भाई घर आ गए थे, उसके बाद जिम गए, वापस वहीं आगे बैठ गए जहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। देख रहे हो कैसे कर रही है, भाई का गाना भी रिकॉर्ड कर दिया, बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड हुआ भाई वो, ये हल्का सा इधर बैठ के देख के गा रहा था और मैंने हल्का सा कर लू जरा भाई का। कौन सा गाना था, कसूरी? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, हम झेल लेंगे। बाकी भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शब्दों के साथ बोलना चाहूंगा कि कभी भी गिव अप मत करिए, क्योंकि अच्छी चीजें होने में हमेशा समय लगता है। नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, और ये बात याद रखना हमेशा। बहुत लोग बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करता हूँ भाई, कल मिलूंगा, ज्यादा नहीं बोलते हुए टिल देन सार्थक भट्ट आपको कहता है भाई के साथ गुड नाइट। Yeah, que chore, yeah, que chore.